आज इस ऐतिहासिक मैदान में महागठबंधन की जो महारैली आयोजित है, इसकी अध्यक्षता हमारे जनता दल यूनाइटेड के प्रांतीय अध्यक्ष कर रहे हैं, और इस अवसर पर जो संचालन कर रहे हैं माननीय मनोज बाबू, और उपस्थित हैं यहाँ पर माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित हैं युवा तुर्क और उप मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी जी, यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे कांग्रेस के अखिलेश बाबू, दीपांकर भट्टाचार्य जी, महबूब आलम साहब, और यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे आलोक कुमार मेहता जी, श्रीमती लेसी जी, आफताब आलम साहब, जितेंद्र दास जी, और संतोष कुशवाहा जी, उमेश कुशवाहा जी, राजेंद्र यादव जी, रामरतन ऋषिदेव जी, चंदन ऋषिदेव जी, ताहिर कैप्टन साहब, चक्रधर ऋषिदेव जी, और मंच पर उपस्थित सभी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व पार्षद, और विभिन्न दलों के राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिला के साथी लोग, अध्यक्ष लोग, और सबसे ज़्यादा हमारे सामने उपस्थित लाखों की संख्या में पूर्णिया और पूर्णिया के आसपास से आए हुए हमारे माताएं, बहनें, भाइयों, बच्चे, नौजवान साथियों, और मीडिया के हमारे सभी साथी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, प्रिंट मीडिया के हों, या छायाकार बंधु हों, हम सबको नमन करते हैं और नमन करते हैं इस धरती को जहां भोला पासवान शास्त्री जी थे, जहां हमारे रेणु जी कुशवाहा जी थे, उसके बाद तस्लीम साहब थे, अजीत सरकार थे, हम सबको नमन करते हैं। भाइयों बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं, हमें कोई विशेष बात कहनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान केंद्र की सरकार जुमलों की सरकार है। एक जुमला दिया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, नियोजन देंगे। आज 8 वर्षों में 9 वर्षों में कितनी नौकरियां मिली है आप हम सब जान रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि हम महंगाई रोकेंगे।